हाय, प्रीवियस टू वीडियोस में हमने देख लिया था कि कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। तो कैपिटल एसेट बेचने के बाद मुझे कौन सा गेन होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या कैपिटल एसेट। तो अभी हमने डेफिनेशन देख लिया, मुझे पता है कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एसेट कैसे आती है, क्या आती है, एवरीथिंग वी नो दिस, करेक्ट। बट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे बनता है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द व्हाट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिपेंड किस पे है, तो लिसन यहां पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गिव्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज गिव्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बाइफरकेट करना क्यों है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी दोनों की अलग अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स रेट अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स रेट अलग है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बाइफरकेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट ये सारी चीजें डिपेंड किस पे है, तो इसके नीचे एक पॉइंट लिखा गया है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड ऑन द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी, मतलब तो कौन सा एसेट, कैसा एसेट आप हेल्ड करते हो, कब हेल्ड करते हो, मतलब कब से कहां तक हेल्ड, मतलब मेरे पास वो एसेट कब से कितने दिन मेरे पास है, मतलब ड्यूरिंग, डिपेंड अपॉन द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसेट, मतलब कितने पीरियड तक आपने वो एसेट होल्ड करके रखा हुआ है। सो दैट विल बी द व्हाट डिपेंडेबिलिटी, और दैट विल बी द व्हाट सिचुएशन, ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रूव दैट वी कैन डिटरमाइन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, करेक्ट। तो इस अगले वीडियो में हम क्या देखते हैं, तो देखो इस अगले वीडियो में हमें देखना है कि, पहले डेफिनेशन ही लाता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट विच इज नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या बता रहे हैं वो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब ऐसी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ना हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल पता है आपको, नहीं तो देखो इस साइड में सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A सेज दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब, जब वो ये डेफिनेशन शॉर्ट टर्म बता रहा है तो सारी बची हुई क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म बनेगी, है या नहीं है, डेफिनेटली। तो वो क्या करते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ टैक्स में लिखा रहता है, ये नहीं है तो वो पक्का ये है, और ये है तो वो नहीं है, डेफिनेटली। तो देखो इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A हमें क्या कहता है, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन, हेल्ड बाय एन एसएससी नॉट मोर देन, मोर देन होगा तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, नॉट मोर देन होगा तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। द डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, जिस दिन भी आपने सेल किया है उसके पहले वाले दिन काउंट करना है। आज सेल किया, मान लीजिए कि आज का जो भी डेट रहेगा वो आप दिमाग में रखिए, उसके पहले की बात चल रही है, उसके पहले वाले 36 मंथ्स काउंट करो। तो 36 मंथ्स के अंदर होगा जो आपने एसेट हेल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपके पास था वो एसेट, लेस देन 36 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म। लेस देन 36 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मतलब मान लीजिए कि 5 साल पहला है तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा, और 3 साल से कम है, 3 साल से मतलब 36 मंथ्स होता है, उससे कम है मतलब पीरियड, मैंने अभी अभी एसेट लिया और अभी अभी बेच रहा हूं, तो वो कौन से गेन में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, और जो शॉर्ट टर्म में आता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं आता, जो लॉन्ग टर्म में आता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं आता। तो यहां तक हमें समझ गया कि 36 मंथ्स का बेसिक क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा पकड़ा है एसेट तो लॉन्ग टर्म, उससे कम पकड़ा है तो शॉर्ट टर्म। तो चलो आगे पकड़ते क्या लिखा है,
नाउ लुक हियर, उसमें भी फर्दर प्रोविजन है प्रोवाइडेड दैट, उसको भी एक्सप्लेनेशन है, मतलब फर्दर प्रोविजो क्या कहता है वो सेक्शन टू, मतलब ये शॉर्ट टर्म वाले में ज्यादातर वो कहते कि इन केस ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिंक इन सॉरी लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज स्टॉक ऑफ इंडिया, तो मतलब वो कहता है कि सपोज आपके पास कोई सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, बॉन्ड हो, डिपॉजिट कुछ भी हो, जो लिस्टेड नहीं सॉरी जो लिस्टेड है उसकी बात चल रही है। नीचे लिखा क्या है, अदर देन अ यूनिट लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो लिस्टेड नहीं है उसके बारे में बात नहीं चल रही, यहाँ पे लिस्टेड के बारे में बात चल रही है, ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963, मतलब ऑल द यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब यूएलपी प्लान, आपका जो यूएलपी प्लान होता है ना, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो स्पेसिफिकली इक्विटी में ही है, डेप्ट में नहीं है। बहुत सारे यूएलपी प्लान ऐसे कि कोई कोई बेसिक इक्विटी में है, कोई डेप्ट में है, कोई इक्विटी प्लस डेप्ट में है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बताया इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब सारा का सारा प्रीमियम का पैसा, सर्टन प्रीमियम का पैसा डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो। तो जीरो कूपन बॉन्ड, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में देखा था, ट्रांसफर के डेफिनेशन में, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो वॉट, ट्रांसफर, तो जीरो कूपन बॉन्ड। तो इन सब के बारे में वो क्या कहते हैं कि द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल हैव इफेक्ट एज इज फॉर द वर्ड ऑफ 36 मंथ्स, द वर्ड ऑफ 12 मंथ्स हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी जो लिस्टेड हो, यूटीआई फंड हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, जीरो कूपन बॉन्ड हो, सपोज ये आपने हेल्ड किया हुआ लेस देन 12 मंथ्स, इफ यू हैव हेल्ड दिस लेस देन 12 मंथ्स देन शॉर्ट टर्म, लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म, क्योंकि 36 इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स हमें 12 मंथ सब्स्टिट्यूट करना है, और वहां पे क्या कहा था, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, तो यहां पे वर्ड आएगा नॉट मोर देन 12 मंथ्स। सो 12 महीने के ऊपर आपके पास वो शेयर्स नहीं है, ये सारी तीन चार चीजें नहीं है, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म बनेगा। 12 महीने से ज्यादा आपके पास वो है तो वो लॉन्ग टर्म बनेगा। आगे तो अभी इसमें क्या लिखा है कि फर्दर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फर्दर नहीं आया बट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऑल्सो क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सो दे सेड दैट द इन केस ऑफ द सिक्योरिटी नॉट बीइंग अ शेयर्स लिस्टेड इन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस शीट में मैंने देखा था कि जो लिस्टेड है वो, इस शीट में मैं देख रहा हूं कि अनलिस्टेड का क्या करना है। ओके, अनलिस्टेड शेयर्स है, उसके साथ और क्या लिखा है, ये और लिखा है ना, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, वहां पे लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ, लैंड हो तो लैंड हो, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग हो, या लैंड एंड बिल्डिंग हो, बोथ हो, तो क्या करना है। अभी यहां पे ऐसा क्यों आया, लैंड मतलब ओपन प्लॉट, बिल्डिंग मतलब फ्लैट, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बंगलो, कोई फैक्ट्री, एनी टाइप ऑफ द, करेक्ट, एनी टाइप ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए क्या लिखा है, नाउ लुक हियर, The provision of this clause shall have effect as if the word of 36 months, the word of 24 months had been substituted. So, unlisted shares ke liye aur immovable property ke liye, they have put the 24 months. So, 24 months se kam ho, to short term. 24 months se kam ho, to short term. 24 months se zyada ho, to long term. If it is, matlab aapne ye sara asset pakda hua hai, aapke paas hai, kitne month ke liye? 24 मंथ से ज्यादा हो तो 24 मंथ से ज्यादा हो, 24 मंथ 24 मंथ से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म, और मंथ से कम हो तो क्या बनेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म बनेगा। तो ये था आपका डेफिनेशन किसके लिए, कि शॉर्ट टर्म एसेट का डेफिनेशन देखा, जो शॉर्ट टर्म फिट नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे था हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है। तो प्लीज़ बच्चों, सपोज आपको ये पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, बिकॉज ऑफ योर वोटिंग सॉरी योर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन और योर शेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज़ बच्चों।